सो हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार हमने रक्षाबंधन मनाया मैक्स के साथ, मतलब मेरी जो सिस्टर है उसने राखी बांधी है मैक्स को। उसकी वीडियोस और फोटोज आपको इसके इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगी और जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिलने वाला है। तो भाई जैसा कि आपको समझ आ ही गया होगा वीडियो के थंबनेल को देख के कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो आज हम आपको बताएंगे मैक्स का स्लीपिंग सेटअप जो हमने रेडी कर रखा है। और मैं आपको एक एक रीज़न बताऊंगा क्यों हमने इस तरीके से कर रखा है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है या फिर कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो और बता सकते हो हमको कि क्या हमें चेंज करने चाहिए और वही चेंज हम कर सकते हैं आने वाली वीडियोज़ में या फिर मैक्स के लिए, जो मैक्स के लिए बेनिफिशियल हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं रूम की, जिस रूम में मैक्स होता है। तो यहाँ पे एक बेड है और ये थोड़ा छोटा रूम है और इसके अंदर हमारा एसी जो है इस कॉर्नर पे लगा हुआ है और ये हमारा फैन है। और अगर आप बेड को देखो ना, मैं एक बार जूम आउट करता हूँ, अगर आप बेड को देखो तो हमारा जो फैन है वो बेड के बिल्कुल ऊपर नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा साइड में है। और मैक्स जो है वो सोता है इस साइड पे, जिस वजह से उसको एसी की आवर डायरेक्ट नहीं लगती और उसको रात को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उसका सारा अरेंजमेंट हमने कर रखा है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि हम किस तरीके से मैक्स का बेड जो है अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम वाले जो गद्दे वद्दे हैं सब हटा देते हैं, क्योंकि ये जो है उस वाले उधर बिछा देते हैं ताकि सो सकें। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, मैं गरीब हूँ, तो इसका हटा देते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इस मैट की, ये मैट क्यों यहाँ पे है। तो ये मैट है ताकि मैक्स के जो पैर हैं वो स्लिप ना हो फ्लोर पे, क्योंकि ना ये फ्लोर जो है काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है क्योंकि ये टाइल्स हैं, तो इससे मैक्स के पैर स्लिप होते हैं और उसके ना थोड़ी थोड़ी लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम आने लगी थी। तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखना, हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि भाई अगर हम रात को, कुत्ता सोता ही तो है, हमारा डॉग सो ही तो रहा है, तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब डॉग सोता है कभी वो पैर अपने सीधे रखेगा, कभी टेढ़े रखेगा, और वो काफ़ी प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए लगता है, मतलब रात रात भर उसके पैर मुड़े ही रहेंगे, जिसकी वजह से लेग बेंडिंग की रात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है जब आप उसको खिलाते हो। तो हम मैक्स को इस वाले कमरे में बिल्कुल नहीं खिलाते, क्योंकि ये जो कमरा है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्लिपरी फ्लोर है, इस वजह से हम इसको बिल्कुल नहीं खिलाते इस वाले रूम में। और इस ये सोता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने मैट बिछाया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वाला स्टूल लेते हैं, ठीक है, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बिछा देते हैं, ठीक है। हाँ तो गाइस ये जो है सेटअप रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैक्स होता है, यहाँ पे उसके टूल सारे खेलने वेलने की चीजें रखी हुई हैं। और ना हम ये स्टूल लगा देते हैं बिकॉज हम नहीं चाहते मैक्स जो है रात में इधर उधर घूमे, बिकॉज रात में काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज है कमरे में और वो तार वगैरह काटता है तो वो काट सकता है, उससे करंट लग सकता है, इसलिए हम उसे यहाँ पे लॉक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नट दिख रहा होगा, इस नट को हम खोल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स का जो है फैन लगता है। मैक्स के लिए गाइस हमने एक स्पेशल फैन बनाया है अपने आप से DIY, जिसको हम यहाँ पे लगाते हैं ताकि उसे रात को गर्मी ना लगे। तो यार स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में ये मैट नहीं था, तब हमें डॉक्टर ने कहा कि ये मैट लगा लो, नहीं तो कुत्ते के जो आपके डॉग है उसके पैर जो है टेढ़े हो जाएंगे। तो हमने ये मैट लगाया। नेक्स्ट चीज़ फिर इसको गर्मी लगने लगी, क्योंकि एसी की हवा डायरेक्ट लगती नहीं, फैन की हवा यहाँ पे आती नहीं, रूम थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है बट उसको हवा चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने फैन बनाया। अब मैं बताता हूँ, इस फैन को लगाना बहुत इजी है। ये मैं फैन मैंने खुद बनाया, मतलब ये क्या है, नॉर्मल एक फैन था, उसके ऊपर मैंने ट्राइपॉड जो हमारा डिस्प्ले होती है ना लैपटॉप को, अरे कहना क्या चाहते हो, डिस्प्ले होती है हमारी कंप्यूटर की, उसका स्टैंड है वो लगा दिया मैंने उसके ऊपर। और यहाँ पे हम इसको सीधा ऐसे डाल के और ये वाला अपना बोल्ट जो लगा देते हैं और ये फैन यहाँ से चलने लगता है। अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो ये इसका वायर है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, उसमें हम इसको लगा देते हैं। तो गाइस आपको इस वाले जो ये मीटर लगा हुआ है जिससे हमारा ये फैन चलता है, इसमें आपको एक डिस्प्ले दिखाई दे रही होगी। ये डिस्प्ले क्यों है, होता क्या है, रात भर क्योंकि पंखा चलता है और रात भर एसी भी चलता है, तो मैक्स को ना सुबह के टाइम ठंड लगने लगती है, तो हमने इसका टाइमर सब सेट किया हुआ है कि सुबह के टाइम ही अपने आप बंद हो जाता है उसका फैन और इसको बिल्कुल कंफर्टेबल नींद आती है। तो देख लो यार ये सब करना पड़ता है अगर आप एक डॉग लवर हो और आप उसका पूरा कंफर्ट चाहते हो। यही थी वीडियो आज की, और अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। तो एक और बार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को,
और दूसरी चीज कि भाई अगर आप डॉग पाल रहे हो तो सब कुछ सोच समझ के पालोगे, काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और मैं नहीं चाहता कि मतलब मेरे डॉग को कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं ये सब करता हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए, और उसका कंफर्ट का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके से कंफर्टेबल है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और घंटे के आइकॉन को जोर दबा लेना, नहीं तो मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं मिलेंगी आपको। और मेरा इंस्टाग्राम भी सब्सक्राइब कर लो, मतलब मैक्स का इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, और वहां पे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगी, मतलब यूट्यूब से भी पहले। ओके, साइनिंग ऑफ, बाय गाइज़।